आज तक के इस खास पेशकश में सोफी हमारे साथ में है और वो भी पहुंची है यहाँ लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सुरों से। तो सुरों की इस महफिल में स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई नो के जो पिछले हफ्ते हुआ सबको बहुत बहुत अफेक्ट हुआ है। हालांकि हम सब सोचते हैं कि वो 90 सालों में थीं और उन्होंने इतना काम किया है, इतने सारे गाने, लेकिन फिर भी एक ऐसा लॉस है जो बहुत पर्सनल फील होता है। ऐसा नहीं कि वो गा रही थीं और हमें हर जगह दिख रही थीं, लेकिन महसूस होती थी, पता होता था कि वो चीज़ें देख रही हैं, शोज़ देख रही हैं, जो उनको अच्छा लगता था उसके बारे में ट्वीट भी करती थी। इतनी रेलेवेंट, इतनी कूल भी थी, चाहे वो म्यूज़िक हो, क्रिकेट हो, फिल्में हो, हर चीज़ की नॉलेज थी उनको। एंड आई थिंक मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे उनके साथ दो मुलाकातें हुई। जब मैं लंदन की हूँ तो मेरी जो कहानी है सबसे बहुत अलग है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं हिंदुस्तान आऊँगी, हिंदी गाने गाऊँगी। तो मैं जब 17 साल की थी, मैं एक बहुत पॉपुलर वीजे थी वहाँ पर, और मुझे उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 15 मिनट दूँगी, लेकिन वो इंटरव्यू 90 मिनट का हुआ और 2 पार्ट्स में टेलीकास्ट हुआ। और उनका बहुत ही अलग साइड देखने को मिला, कि हम हमेशा सोचते हैं कि लता जी थोड़ी सी सीरियस होंगी, बहुत डिसिप्लिन वगैरह होगा, लेकिन नहीं, वो बहुत मजाकियाँ हैं। उनकी जो कहानियाँ हैं इतनी मज़ेदार हैं, इतना एक्सपीरियंस, उनकी जो जर्नी है इतनी खूबसूरत है। सो आई थिंक वो सब सुन के इतना अच्छा लगा। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, सो दैट वाज अमेजिंग। उससे जब मैं और भी छोटी थी तो मेरी शॉपिंग सेंटर में उनसे मुलाकात हुई थी। मैं अपने अंकल के साथ थी, तो मेरे अंकल उनके फ़ैन थे, तो उनको रोका, उनसे बातें की और कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास पेन तो नहीं है। तो मेरे मामू ने कहा मेरे पास भी पेन नहीं है। तो उन्होंने कहा वहाँ है ना इस लाइक न्यूज़ एजेंट, तो आप एक पेन ले आइए। तो हम गए, लेकिन वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी, तो कुछ 10 मिनट लग गए। तो उनको लगा मेरे मामू को कि वो तो इंतज़ार नहीं करेंगे, 10 मिनट कौन इंतज़ार करता है, लेकिन हम बाहर आए और वो इंतज़ार कर रही थी। और तब तक कुछ और लोगों ने भी पहचान लिया था, क्योंकि लंदन में तो जो देसी लोग हैं वो पागल हैं बॉलीवुड के लिए और ऑफकोर्स लता जी के लिए। तो फिर उन्होंने साइन किया और फिर उन्होंने मेरे मामू से कहा मैं ये बाकी लोगों के लिए ये पेन यूज़ कर लूँ ऑटोग्राफ के लिए। तो मेरे मामू ने कहा कि जी कर लीजिए, लेकिन इसके बाद ये पेन कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं रखूँगा, वो पेन अभी तक है। तो जब मैं उनको इंटरव्यू कर रही थी, मैंने उनको बताया इस कहानी के बारे में, उन्होंने मुझसे पूछा ये पेन अभी भी है, मैंने कहा बिल्कुल है। सम वेरी नाइस स्टोरीज अबाउट हर। वो मेरे लिए, बहुत सारे लोग कहेंगे सिंगर्स की वो इंस्पिरेशन थी, बट वो इंस्पिरेशन नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए वो अनरीचेबल थी, वो अनअटेनेबल थी, वो सरस्वती थी, तो वो इंस्पिरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता। एंड आई थिंक खास करके मेरे लिए, क्योंकि मैंने वेस्टर्न ट्रेनिंग की थी, हिंदुस्तानी क्लासिकल नहीं, उनकी जो आवाज़ थी, आई मीन आई कॉन्ट इवन ड्रीम ऑफ हैविंग अ वॉइस लाइक दैट, और मेरी बहुत वेस्टर्न किस्म की आवाज़ थी, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही अलग गोल थी, यू नो। सो आई थिंक बचपन में उनके इतने गाने सुने, हालांकि मैं लंदन में पली बड़ी, मैं बहुत एक फिल्मी बच्ची थी, और बस उनके गाने सुनते सुनते बड़े हुए हैं। कोई एक उनका फेवरेट सॉन्ग जो अभी भी गुनगुनाना चाहिए? आई ऑफ कोर्स मैं स्कूल नहीं जाती थी जब तक मैं ये वीडियो गाना नहीं देखती थी। दिल थी रोना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। Love that song. लेकिन आई थिंक मेरे लिए सबसे स्कैरी मोमेंट मेरी लाइफ में था जब मेरे रीमिक्स गाने बहुत चलने लगे, एक परदेसी बहुत हिट हुआ, और उसके बाद हम सोच रहे थे कि कौन सा गाना बनाएं, तो मुझे कहा गया हम जादूगर सैयां बनाते हैं। आई कॉन्ट टेल यू, मेरे लिए एक तो ह्यूज ऑनर, बट सो स्कैरी, लता जी का गाना कोई कैसे गाए। और अगर आप वो गाना सुने, 1954 का गाना है, तो मुझे तब बताया गया था कि बहुत सारे आज की जो जनरेशन है उन्होंने वो गाना नहीं सुना, तो हम करेंगे, लोगों को सुनाना भी चाहिए। एंड जब मैंने किया, सबने बस कहा आप प्रेशर मत लो, आप अपने अंदाज से करो, लेकिन हाउ कैन यू नॉट हैव प्रेशर, लता जी का गाना है। बट उस गाने से मुझे बहुत प्यार मिला, आज भी मिलता है। तो जादूगर सैयां में भी आई सिंग इट फॉर ऑन कैमरा ओवर दैट। यहाँ श्रद्धांजलि आज तक के इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये कर रहे हैं, और मुझे पता है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आए हैं और सबके पास इतनी अच्छी कहानियाँ हैं और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, फॉर हियरिंग माय स्टोरीज, एंड आई एम श्योर ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत।